हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका वोकैबुलरी के इस सफ़र में, इस जर्नी में, जिसमें सीखेंगे हम आज कुछ और नए वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ मनी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो पहला वर्ड जो आज हमारे पास है वो क्या है? अनप्रेसिडेंटेड। अन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जो किसी चीज़ के ना होने को बताता है, किसी चीज़ के ना होने को बताता है। प्री का मतलब होता है बिफोर, और ये आया है लैटिन सिडेर, इसका होता है गो। तो प्रेसिडेंटेड क्या होता है? गो बिफोर, मतलब किस चीज़ के पीछे जाना, किस चीज़ को फॉलो करना, मतलब जो परंपरा चल रही है उसको फॉलो करना, मतलब परंपरागत तरीके से कोई काम करना। तो प्रेसिडेंटेड क्या हो गया? परंपरागत तरीके से। और अनप्रेसिडेंटेड क्या होगा? जो परंपरागत तरीके से ना हो, जो अभूतपूर्व हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहली बार हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्क्योर। क्या वर्ड है? ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर आया है लैटिन ऑब्स्क्योरस से, इसका मतलब होता है डार्क। तो जब कोई चीज डार्क होगी तो उसको देखना मुश्किल होगा, वो साफ नहीं होगी, वो स्पष्ट नहीं होगी। तो ऑब्स्क्योर क्या होता है? इनडिस्टिंक्ट, अनक्लियर, वेग, मतलब जो अस्पष्ट हो, जो क्लियर ना हो। ठीक है, अगला वर्ड है स्पाउस। अगला वर्ड है स्पाउस। स्पाउस आपने सबने सुना होगा, स्पाउस होता है मैरिज पार्टनर। तो मैरिज पार्टनर आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब एक दूसरे को काम होता है जरूरत में साथ होते हैं। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है? इससे रिलेटेड है बिल्कुल। स्पाउस का मतलब होता है सपोर्ट, हेल्प, सहायता। स्पाउस क्या होता है? सपोर्ट, हेल्प, और हिंदी में सहायता। ठीक है, अगला वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट, ठीक है, माउंट आता है माउंटेन के लिए। माउंट लैटिन वर्ड है, इसका होता है हाई। तो पैरामाउंट क्या होता है? जो सबसे हाई हो, जो सुप्रीम हो, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, उसको क्या बोलेंगे? पैरामाउंट। जो सबसे ऊपर हो उसको क्या बोलेंगे? पैरामाउंट। ठीक है, अगला वर्ड है सैक्रिन। अगला वर्ड है सैक्रिन। सैक्रिन आया है लैटिन सैक्रम से, लैटिन सैक्रम। और अगर संस्कृत की बात करें तो आया है शक्कर से, शक्कर। शक्कर होती है ना, शक्कर गुड़ की बनी होती है, छोटे छोटे पीसीज में उसको किया होता है, उसको बोलते हैं शक्कर। तो लैटिन सक्रम और संस्कृत शक्कर से आया है सैक्रिन, इसका मतलब होता है वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा जो मीठा हो उसको क्या बोलेंगे? सैक्रिन। बहुत मीठा जो होगा उसको क्या बोलेंगे? सैक्रिन। कहाँ से आया? सैक्रम, संस्कृत शक्कर से। ठीक है, अगला वर्ड है ल्यूमिनस। अगला वर्ड है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस आया है लैटिन ल्यूमिन से, जिसका मतलब होता है लाइट। तो ल्यूमिनस क्या होता है? फुल ऑफ लाइट, बिल्कुल जो ब्राइट हो, चमकीला हो, फुल ऑफ लाइट हो, शाइनिंग हो, उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस। अगला वर्ड है रिक्विसिट। अगला वर्ड है रिक्विसिट। रिक्विसिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। रिक्विसिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड हो, जिसकी जरूरत हो, जो इन डिमांड हो, जो डिमांड में हो, उसको क्या बोलेंगे? रिक्विसिट। क्या बोलेंगे? रिक्विसिट। अगला वर्ड है
डोसल, अगला वर्ड है डोसल। तो डोसल आया है लैटिन डोसियर से, लैटिन डोसियर। तो लैटिन डोसियर का मतलब होता है टू टीच, टू टीच। तो डोसल कौन होता है? जो इजी टू टीच हो, जिसको आसानी से पढ़ाया जा सके, जो ओबीडियंट हो, जो आज्ञाकारी हो। डोसल क्या होता है? आज्ञाकारी। क्या होता है? डोसल आज्ञाकारी। अगला वर्ड है मिनस्क्यूल, अगला वर्ड है मिनस्क्यूल। ये जो मिनस्क्यूल वर्ड है, यह है लैटिन मिनस्क्यूला लिट्रा। मिनस्क्यूला लिट्रा मतलब सम बट स्मॉल लेटर, सम बट स्मॉल लेटर। इसका जो शुरू में जो मीनिंग था इस वर्ड का, इसका माना था सम बट स्मॉल लेटर, मिनस्क्यूला लिट्रा से बना है। इसका मतलब होता था सम बट स्मॉल लेटर। तो बाद में जो इसका मीनिंग एलेबोरेट हुआ, तो इसका मीनिंग क्या है? जो वेरी स्मॉल के लिए यूज़ हो, टाइनी के लिए यूज़ हो, ठीक है? तो मिनस्क्यूल क्या होता है? टाइनी, वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा हो, इसलिए क्या होता है? मिनस्क्यूल, ठीक है? अगला वर्ड है नेसेंट, अगला वर्ड है नेसेंट। यह है लैटिन नेसी से, लैटिन नेसी। सवाल होता है बीइंग बॉर्न, बीइंग बॉर्न। नेसेंट क्या होता है? नवजात, जो अभी अभी पैदा हुआ, नवजात। जैसे नवजात बच्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नेसेंट। तो ये थे आज के वर्ड्स और इनके पीछे की कंस्ट्रक्शन, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। विल मीट अगेन वेरी सून विद मोर वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी। टिल देन बाय, सी यू।